बिहार के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस बीच बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, कुछ चीजें नियम कानून से भी चलती हैं और कुछ चीजें आपसी सहमति से चलती हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के शरिया कानून के सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, इस पर क्या ही टिप्पणी करें। देखिए, समस्या का हल कानून से भी होता है और समस्या का हल आपस में मिलजुल करके भी होते हैं और नियमों से भी होते हैं, पर पार्टियों से समस्या के भी हल होते हैं। और अल्पसंख्यक आयोग ने क्या पत्र लिखा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो परंपरा रही है, जो आपसी मिल्लत से जो चीज़ें चल रही है, तो निश्चित रूप से उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में शिक्षा विभाग कोई निर्णय लेगी और उस निर्णय से आप सबको जानकारी प्राप्त। इस पर आपत्ति सरिया आपत्ति जता रही है और गिरिराज सिंह ने सरिया कानून भी बता दिया कि ये सरिया कानून नहीं। अलग अलग तरीके से लोग बोलते रहते हैं, निजी राय उनकी हो सकती है, तो जो निजी राय देते हैं तो निजी राय देने वाले के बारे में हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कोई चीज़ कानून से भी चलता है, परिपाटी से भी चलता है, नियम से भी चलता है और आपसी मिलत से भी चलता है, तो इसमें से कोई एक चीज़ से चीज़ों का हल निकलना चाहिए। खबर पटना से है जहां पर देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है और इसे लेकर देश के विपक्षी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से पटना के राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 7 अगस्त को 11 बजे दिन से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर महागठबंधन का बिहार के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। देखिए, 7 अगस्त को महागठबंधन का बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च है सभी जिला मुख्यालय में और सभी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होंगी और सड़कों पर जो जन आक्रोश है जनता का वो दिखेगा। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के सुखाड़ है, किसान परेशान है, इन सारे चीज़ों को लेकर के डबल इंजन सरकार ने जो वादा किया था जनता के साथ, वादा खिलाफी किया है। जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही हैं, बिगुल फूका जाएगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी पार्टियां इस मार्च में शामिल।